नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। बोकारो में झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के द्वारा एक प्रेस वार्ता रखी गई थी, जिसमें बाबूलाल मरांडी ने पूरी तरह से झारखंड के वर्तमान सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान सरकार भू तस्कर, बालू तस्कर और कोयला तस्करी कर सिर्फ अपने तिजोरी में भरने का काम कर रहे हैं। बोकारो विधायक माननीय नारायण के आवासीय कार्यालय में झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री माननीय बाबूलाल मरांडी के द्वारा प्रेस वार्ता रखी गई थी, जिसमें चंदन क्यारी विधायक माननीय अमन कुमार बावरी, बोकारो विधायक माननीय विरंची नारायण उपस्थित थे। इस प्रेस वार्ता में पूर्व मुख्यमंत्री माननीय बाबूलाल मरांडी ने पूरी तरह से झारखंड के वर्तमान सरकार के ऊपर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार भू तस्कर, बालू तस्कर और कोयला तस्करी कर केवल अपनी तिजोरी भरने में लगे हुए हैं और पूर्व सरकार के द्वारा विकास के लिए जो भी कार्य किए गए थे उन सभी कार्यों को बाधित करने का काम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीएन न्यूज। तो इस दोनों सीट पर अगर आपकी जीत दर्ज होती है भारतीय जनता पार्टी की या इसके गठबंधन की, तो क्या माना जाए कि आने वाले समय में झारखंड में कोई नई सरकार का गठन होगा? देखिए, पहली बात तो मैं कहूंगा कि क्योंकि आज हमारे पास 26 विधायक भारतीय जनता पार्टी और जिनकी सत्ता में है अपोजिशन के पास पर्याप्त बहुमत, इसलिए हमारी तो चाहेंगे कि भाई जनता ने उनको जना दे दिया है, अपने पूरा कार्यकाल पूरा करें, बढ़िया से काम करें। तो कुल मिला करके मैं कह रहा था कि जो सत्ता में बैठे हुए लोग ही अगर खुश नहीं है तो आप सोच सकते हो कि हम लोगों की क्या हालत है। हम लोग तो दुखी है, लेकिन हम लोग कर भी क्या सकते हैं। मतलब ये आवाज बदलाव का संकेत देती है? निश्चित रूप से, असहारने वाला समय में अब देखिए। पिछले विधानसभा चुनाव में एक बात आई थी कि पिछले बार आज जो आपका गठबंधन का सदस्य रहा है, घटक दल रहा है, उसने अलग चुनाव लड़ा। यह जो दो चुनाव होने जा रहे हैं, इसमें आज के साथ हम सब लोग मिलकर के लड़ेंगे, बात करेंगे। तो जो बेरमो में आलसू के द्वारा मंगाया गया, दोनों सीटों पर मिलकर के हम। अच्छा, अभी मानसून सत्र अभी चालू होने जा रहा है, भाजपा कितनी तैयार है? बिल्कुल तैयार है भाई। 17 तारीख हाउस कितना है, 3 दिन का, 18 को शुरू हो रहा है, 18 को तो समय प्रस्ताव वगैरह होगा। नहीं, लेकिन आप जीएसटी का 2500 करोड़ रुपए लेके बैठ गए हैं वहाँ, और आप जब सरकार मांगती है तो आप कहते हैं कि कर्ज ले लो, तो यह सुझाव? अभी बात तो मैं कहूँगा कि कोई कहीं नहीं बैठा है, और भारत सरकार ने, देश के जो प्रधानमंत्री, आपने देखा होगा गरीबों के लिए नवंबर तक तो फ्री ऑफ कॉस्ट 80 करोड़ की आबादी को अनाज देगी। अब बताओ, किसानों के लिए यहाँ पर 2 लाख करोड़ की योजना ही नहीं बल्कि 1 लाख करोड़ से अधिक पैसे को भेज भी चुके हैं, किसानों के खाते में पैसा भेज रहे हैं। विकलांग, विधवा, दिव्यांग, ये सारे लोग खातों में पैसा आ रहा है, जनधन के खातों में पैसा भेज रही है सरकार सीधे वहां से। तो आज अगर आप देश में देख रहे हैं कि गरीब अगर थोड़े बहुत जो खुशहाल देख रहे हैं, तो ये भारत सरकार ने जिस प्रकार से जो काम किया है देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, बाकी इसके आज दुनिया भर में उसकी प्रशंसा हो रही है, तारीफ कि जिस ढंग से व्यवस्था को करें। हमने कहा कि आज जीएसटी तो आप जा रहे, मैं तो सरकार से कहता हूँ कि सरकार को बतानी चाहिए ना कि सरकार एक्साइज में तो वसूल करती है पैसा, केंद्र तो नहीं करती है, जो दारू विभाग से, तो शिक्षा दारू दोनों को इन्होंने मिला करके, लेकिन क्या हुआ वहाँ तो टैक्स को इन्होंने कहा क्या क्या रिवेट वर्ड दे दिया। हमने तो शुरू में ही कहा था कि भाई देखो, जो निजी विद्यालय के बारे में बात की, हमने शुरू में कहा था निजी विद्यालय में गवर्नमेंट को वैट करके प्रबंधकों के साथ और कुछ एक लम सम शिक्षकों को वेतन के लिए सरकार को देना, ताकि बाकी अभिभावकों से वसूली नहीं कर सके। अभिभावकों क्या करते हैं, विद्यालय के प्रबंधकों के सामने भी समस्या है, क्योंकि उनके यहाँ कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनके यहाँ शिक्षक काम कर रहे हैं, उनका भी परिवार है,
अब वो देंगे कहाँ से देंगे। तो ये दोनों चीजें हैं। तो हमने तो मुख्यमंत्री को उस समय पत्र भी लिखा कि हम लोग बैठ कर क्या इस पर एक रास्ता निकाल, लेकिन ये कुछ करती नहीं है, करना ही नहीं चाहती है सरकार।